तो आई फाइनली बॉट माई सेल्फ दिस। यस, दिस इज राइडिंग जैकेट फ्रॉम राइनो। ये दिवाली मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। मेजरली दो रीज़न है इसके, और वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लुक एट दीज इडियट्स हाउ दे आर ड्राइविंग। लाइक मेरे पीछे भी तीन लोग हैं, लाइक दे आर सिटिंग ऑन एन एक्टिवा एंड फुल मचाते हुए जा रहे हैं। कुछ डर नहीं है पुलिस। लुक एट दीज इडियट्स। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली, एंड आई होप कि आप इस दिवाली पे एकदम सेफ एंड साउंड होंगे एंड अपने अपने फैमिली या अपने अपने क्लोज्ड वन के पास होंगे टू सेलिब्रेट दिस दिवाली। सेकेंडली, आई नो कि मेरा ये वाला वीडियो बहुत टाइम बाद आ रहा है, बिकॉज एज यू नो कि दिवाली है तो घर पे साफ सफाई, ऑफिस का काम, मैं क्या करता था पता है? ऑफिस जाने से पहले घर की थोड़ी साफ सफाई करके फिर ऑफिस जाता था, एंड देन आई यूज टू कम बैक फुल टायर्ड, गो टू स्लीप, देन नेक्स्ट डे अगेन। तो लास्ट दो हफ्तों से यही सब चल रहा है, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। बट आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। वैसे ये दिवाली मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। मेजरली दो रीज़न है इसके, और वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फिलहाल अभी मुझे कहीं जाना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेने, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आते हैं घर पे, वापस आके बात करते हैं और भी। तो सी यू ऑन द रोड इन 3, 2, 1। ओके, लेट्स गो। ये जो मेरा मोटो व्लॉगिंग का जो सेटअप है, आई एम एक्चुअली नॉट वेरी हैप्पी विद दिस सेटअप, एंड आई बीन ट्राइंग अ लॉट ऑफ स्टफ लेटली टू मेक दिस सेटअप बेटर, बिकॉज ऑब्वियसली फ़ोन से मैं ये मोटो व्लॉगिंग का काइंड ऑफ सेटअप बनाया है मैंने, तो गोप्रो जैसी साउंड क्लैरिटी एंड साउंड इतना कुछ खास आता नहीं है, तो उसके लिए ना वी हैव टू मेक सम ट्वीक्स। तो बस वही चालू है मेरा काफ़ी टाइम से, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 वीक्स, एंड ऑलमोस्ट डेली मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ टू मेक दी साउंड क्वालिटी एटलीस्ट बेटर। तो या स्टे ट्यून फॉर दी व्लॉग विच विल यू नो एक्सप्लेन अबाउट माई फोटो व्लॉगिंग सेटअप। एक बात है कि ये जो मलाडा जो अपना SP रोड पे गोरेगांव के पास जो टेलीफोन एक्सचेंज है, वहाँ का जो फ्लाईओवर बना है, यू नो जो हाईवे वाले रोड को डायरेक्ट टूवर्ड्स लिंक रोड लेके जाता है, आफ्टर दिस फ्लाईओवर वाज बिल्ट, इट हैज़ ईज्ड आउट दी कम्यूट, वरना नीचे से वो सिग्नल के लिए रुको, फिर सिग्नल से लेफ्ट लो, राइट लो, अगर आप हाईवे से डायरेक्ट लिंक रोड पर जा रहे हो तो भी सिग्नल पर रुको। इट वॉज़ वेरी केओटिक और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो एक बेनिफिट तो हुआ है भाई। लुक एट दीज इडियट्स हाउ दे आर ड्राइविंग। लाइक मेरे पीछे भी तीन लोग हैं, लाइक दे आर सिटिंग ऑन एन एक्टिवा एंड फुल मचाते हुए जा रहे हैं। कुछ डर नहीं है पुलिस का भी, ट्रैफिक पुलिस का भी कुछ डर है नहीं। लुक एट दीज इडियट्स, कोई फर्क ही नहीं है, मस्त एल्बो गार्ड बना रखा है हेलमेट को। तीन जन आराम से लहराते हुए ट्रैफिक को मनोवर करते हुए चल रहे हैं। बट वन शुड नेवर डू सच थिंग्स, इट्स नॉट सेफ, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर द पेडेस्ट्रियंस, नॉट फॉर द प्रॉपर्टी, बिकॉज तीनों ही चीज़ों को डैमेज होने के 100% चांसेस रहते हैं। एंड अपन आ गए हैं लिंक रोड पे, एंड बस विद इन अ मिनट अपना वो शॉप भी आ जाएगा जहाँ हमें जाना है। तो विदाउट फर्दर अडू चलते हैं शॉप पे। ऑलराइट, सो वी आर हियर, एंड आई थिंक अपने अतीक भाई खड़े हैं सामने। ओके, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। आप लोग ने मेरे पहले व्लॉग्स में भी देखा होगा ये शॉप को, अगर नहीं देखा है तो यहाँ टॉप राइट है, टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक आ रही होगी, जाके ज़रूर देखना। व्हाट इज़ द शॉप अबाउट एंड हाउ इट वाज स्टार्टेड, लाइक हु आर द गाइस, व्हाट डू दे डू, एंड लाइक व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द शॉप, आपको सब पता चलेगा उस वीडियो में।
उस वीडियो में अपने अतीक भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड बाय द वे ये अतीक भाई है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है मैं और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ दो चीज़ें लेनी थी यहाँ पे आकर। एक तो है मेरा हेलमेट, ये हेलमेट काफ़ी पुराना है एंड इसकी लाइफ ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे आ चुका है। एक तो ये लेना था एंड मुझे राइडिंग गियर लेना था। राइडिंग गियर में राइडिंग पैंट एंड राइडिंग जैकेट दोनों ही लेनी है मुझे, बट ऑब्वियसली चीज़ें होती है तो उनका पैसा भी लगता है। तो आज आई विल बाय ओनली वन थिंग, आइदर दिस हेलमेट या फिर राइडिंग जैकेट। एक्चुअली मैं राइडिंग जैकेट लेने लास्ट वीक आया भी था यहाँ पे एंड मुझे जो जैकेट लेनी थी उसको उस बारे में मैंने बताया एंड दे हैड दैट जैकेट, बट उस टाइम पे बहुत भीड़ थी एंड यू नो इट वाज टेकिंग टाइम फॉर देम टू गेट दी जैकेट फ्रॉम देयर गो डाउन टू हियर। तो मैं उस टाइम पे चला गया, बट आज फ्राइडे एंड आज वापस आया हुआ मैं यहाँ पे। तो आज लकीली वो जैकेट अवेलेबल है शॉप पे। कौन सी जैकेट है, क्या है और मैंने यही जैकेट क्यों चूज़ की, वो सब मैं आपको बताऊँगा घर पहुँच के। बट फिलहाल अंदर चलते हैं एंड जैकेट लेते हैं, फटाफट घर के लिए निकलते हैं बिकॉज और भी चीज़ें लेनी है। आज धनतेरस है तो घर पे टाइम पे पहुँचना भी ज़रूरी है। एंड बाय द वे अपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा अतीक भाई थे एंड ये अपने हसन भाई है एंड ये अमोग मुख्तार भाई है अपने। सो ये जो बाइकस्टर ग्लोबल शॉप है दिस इज़ रन बाय देम। पूरी डिटेल आपको प्रीवियस व्लॉग में पता चल जाएगी कि व्हाट इज़ द शॉप अबाउट, बट अभी जो पर्पस से आए वो पर्पस पूरा करते हैं, चलते हैं। तो आ चुका हूँ मैं वापस घर पे एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आई एम प्लानिंग टू बाय टू थिंग्स, बट वो दोनों चीज़ों में से कुछ एक चीज़ डिसाइड करनी है। तो आई फाइनली बॉट माई सेल्फ दिस। यस, दिस इज़ अ राइडिंग जैकेट फ्रॉम राइनॉक्स विच आई गॉट फ्रॉम बाइकस्टर ग्लोबल। जब मैं यहाँ से गया था शॉप पे तो प्लान था कि हेलमेट लूँ या राइडिंग जैकेट लूँ बिकॉज मेरा हेलमेट भी इज़ नॉट इन गुड कंडीशन। मैंने आपको जैसे अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, इट इज़ रनिंग ऑन वेंटिलेटर एंड उस लाइक बिकॉज उसके अंदर के जो प्रोटेक्शन लेयर होते हैं दैट इज स्टार्टेड टू क्रैक और काफ़ी पुराना हेलमेट है इसलिए। एंड मैंने ये जैकेट इसलिए लिया बिकॉज आई हैव स्टार्टेड टू गो ऑन शॉर्ट राइड्स एंड आई इंटेंड टू गो ऑन लॉन्गर राइड्स इन कमिंग फ्यूचर। एंड जब अपन राइड पे होते हैं तो सेफ्टी स्पेशली ऑन टू व्हीलर्स तो सेफ्टी काफ़ी मैटर करती है एंड वैसे सेफ्टी तो हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, बीट ऑन रोड और बीट एनीवेयर एल्स। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? तो बस उसी लिए आई बॉट माई सेल्फ अ जैकेट बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ हेलमेट। ऑब्वियसली उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, थोड़े टाइम में लाइक आई विल गेट अ न्यू हेलमेट विथ अ गुड प्रोटेक्शन, बट इस टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी वॉज टू गेट अ राइडिंग जैकेट। ऑब्वियसली राइडिंग पैंट्स भी लूँगा, बूट्स भी लूँगा, सारी चीज़ें लूँगा विच विल प्रोटेक्ट मी व्हेन आई एम ऑन रोड ऑन माई बाइक। तो आई हैव गॉट दिस, दिस इज राइनॉक्स एयर जीटी 4। लाइक दिस इज नॉट अ जैकेट रिव्यू वीडियो, तो मैं आपको पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगा। बहुत सारे वीडियोज है अवेलेबल YouTube पे, तो यू कैन चेक दैट आउट व्हाट इज द जैकेट फॉर अबाउट। बट जस्ट टू गिव यू अ बेस इंफॉर्मेशन, ये एक एंट्री लेवल राइडिंग जैकेट है एंड दिस कम्स विथ लाइक ऑल लेवल 2 प्रोटेक्शन। इसके जितने भी आर्मर है, एक सेकेंड, इसके जितने भी आर्मर्स हैं लाइक दोज आर लेवल 2 सर्टिफाइड आर्मर फ्रॉम द कंपनी से रॉस। तो ये एंट्री लेवल राइडिंग जैकेट है एंड मेरा मेन पर्पज to go with Rhinox Air GT 4 was this only because it is के competition में जितने भी jackets available है market में उन सब में मुझे ये सबसे better लगी because it provides a good level of protection as I said that it is all level 2 riding jacket, chest में, elbow में, shoulder में and even in the back it is all level 2 certified and also ये color मेरी bike के साथ match हो जाए तो I think ये color मुझे अच्छा भी लग रहा है।
अगर अच्छा लग रहा है आपको भी तो लेट मी नो इन द कमेंट्स आप क्या सोचते हो इस कलर के बारे में. या सो दिस इज वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू बाय एंड जैसे मैंने आपको बोला माई नेक्स्ट बिग परचेज इज गोना बी अ गुड क्वालिटी राइडिंग हेलमेट सो आई एम गोना गेट दैट वेरी सून. हाँ तो यही चीज थी बस इसलिए मैं गया था वहाँ पे बाइकस्टर ग्लोबल में. एंड आपके आपको अगर बाइकस्टर ग्लोबल के बारे में और जानना है तो देयर इज अनदर वीडियो विच के लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा कहीं कॉर्नर में यू कैन चेक दैट आउट. एंड जैसे मैंने आपको पहले बोला शॉप पे जाने से पहले कि दिस दिवाली इज स्पेशल फॉर मी सो उसके दो बड़े रीज़न है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज दैट अपनी जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली दैट इज़ नाउ 250 सब्सक्राइबर स्ट्रॉन्गर. तो यस मैं भी मैंने काफ़ी टाइम से रिकॉर्डिंग नहीं की थी बट अभी थोड़े टाइम पहले व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय एनालिटिक्स तभी मुझे पता चला कि यस वी हैव क्रॉस 250 सब्सक्राइबर्स. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस आप सभी का इतना प्यार दिखाने के लिए. ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए ताकि अपन और ज़्यादा ग्रो हो पाए. एंड द सेकेंड एंड दी लाइक बेस्ट थिंग अबाउट दिस दिवाली इज दैट मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं बट एंड लास्ट ईयर वॉज अवर फर्स्ट दिवाली बट अनफॉर्चुनेटली माई वाइफ गॉट इन्फेक्टेड विद डेंगू तो शी वॉज हॉस्पिटलाइज ड्यूरिंग दिवाली. तो हम लास्ट ईयर दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाए एंड दैट इज़ द रीज़न के हम ये साल की दिवाली 2023 की दिवाली वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज अवर वेरी फर्स्ट दिवाली. तो दिस आर द टू मेजर रीज़न वाई आई सेड दैट दिवाली दिस दिवाली इज स्पेशल फॉर मी. या तो बस यही सब था जो मुझे थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना था. मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक राइड की होगी बिकॉज आई हैव प्लान टू गो ऑन अ राइड इन द कमिंग डेज. सो स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियोज. एंड अगर आप नए हो चैनल पे मेरे तो डू सब्सक्राइब. एंड अगर आप लोग ने मेरे पहले के वीडियोज नहीं देखे तो डू चेक देम आउट. एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना उन्हें. एनीवेज हम मिलते हैं बहुत ही जल्द मेरे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड.